फिल्मिंग आजकल काफ़ी आसान हो गया है। मोबाइल आप स्टैंड पे लगा दो, ट्राईपॉड पे लगा दो और बस शूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो कहना है कहते जाओ कहते जाओ कहते जाओ। पर अगर आपके पास ट्राईपॉड ना हो तो, अगर ट्राईपॉड ना हो तो क्या काम करना बंद कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ट्राईपॉड का हम दूसरा अल्टरनेटिव्स निकालेंगे। अब ऐसा ही एक अल्टरनेटिव मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। अब मैंने ट्राईपॉड यूज़ नहीं किया है, मैंने क्या यूज़ किया है, कैसे उसे बनाया है, चलो उसे देखते हैं। तो चलो देखते हैं हमारे इक्विपमेंट्स क्या हैं। हमारे इक्विपमेंट सबसे पहला हम लेने वाले हैं एक प्लास्टिक कप, एक लगेगा शेविंग ब्लेड, हम शेविंग ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, हम कटर नहीं फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न, एक लगेगी स्केल, एक लगेगा मार्कर। हम प्लास्टिक कप यूज़ कर रहे हैं, हम थर्माकोल कप भी यूज़ कर सकते हैं, थर्माकोल कप हैज़ इट्स ओन डिफरेंट यूनिक प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम मार्क करेंगे सेंटर, ये किया हमने सेंटर मार्किंग। अब कोई भी मोबाइल जो होता है उसका थिकनेस होता है करीब 6 mm से 8 mm के दरम्यान, तो हम यहाँ 9 mm का स्लॉट बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमने मार्क किया 4.5 इस तरफ, 4.5 इस तरफ, दूसरी तरफ भी मार्क किया है, दोनों लाइंस को जोड़ दिया, ये जोड़ी दूसरी लाइन भी, और ये हमारा स्लॉट ऐसे बनने वाला है। तो अब इसको काटना शुरू कर लेते हैं, पर काटने से पहले हमें एक और चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, हमें वर्टिकल स्लॉट्स भी काटने हैं, तो वो हम वर्टिकल स्लॉट्स के लिए मार्किंग करेंगे। हम रबर बैंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस पे 2.5 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे हम रबर बैंड को रखेंगे और फिर वो मार्क करेंगे। अब हमने काटना शुरू कर दिया है वैसे, अब ये शेविंग ब्लेड होने की वजह से काटना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान होता है। जो आपका पेपर कटर होता है वो थोड़ा थिकनेस उसका ज़्यादा होने के कारण थोड़ा डिफ़िकल्टी देता है काटने में। अब ये देखिए हम उसे काट रहे हैं, ये आपका लगभग हो गया है, ये आपका पूरा कट हो चुका है। अब हम इसको पूरी तरह से निकाल देते हैं, ये साइड से हमने इसे काटा, दूसरी तरफ से भी इसको काटा, और ये हमारा पीस ये कट गया और ये निकला हमारा पीस। अब हमारा स्लॉट रेडी है, ये स्लॉट है, पर आप जैसे देखते हैं ये स्लॉट क्लीन नहीं है, इसमें थोड़ा क्लीन करने की ज़रूरत है इसे। तो हम इसको माइनर और छोटे छोटे जो कट्स की ज़रूरत है, जो उबड़ खाबड़ हुआ है वो क्लीन करेंगे अभी इसको, और ये किया हमने इसको क्लीन, और ये हमारा स्लॉट अभी पूरी तरह से रेडी है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सेलो टेप की ज़रूरत पड़ेगी, वो इसलिए तो क्योंकि अगर हम सेलो टेप ना लगाए तो इस तरह से ग्लास फट सकता है। अब जैसे हम मोबाइल रखने जाते हैं तो ये सीधा सीधा फट जाएगा, इट विल गिव वे। इसके लिए हम अब पहले सेलो टेप लगाएंगे ताकि कट करते वक्त भी वो पूरी तरह से कट ना जाए। एक तरफ लगाया, अब ये टेप हमने लगाई दूसरी तरफ भी। अब इसको काटना शुरू करते हैं, वर्टिकल कट्स जो हैं ये काटना शुरू किया। अब ये ब्लेड जो है ये थिकनेस की वजह से, जैसे मैंने कहा पेपर कटर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पर सोल्डरिंग आयन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा एक वर्टिकल स्लॉट कट गया है, हमने इसको निकाल दिया, ये दूसरी तरफ से भी हमने इसे निकाल दिया, और ये हमारा स्टैंड रेडी है। पर स्टैंड रेडी पूरी तरह से होने से पहले, जैसे मोबाइल हम अभी रख सकते हैं, बट इससे पहले हम सिक्योरिटी के लिए और एक टेप लगाएंगे। तो जो कट किया है उस कट के जस्ट नीचे हम एक टेप लगाएंगे, एक तरफ लगा ये दूसरी तरफ भी लगाया, और ये हमारा स्टैंड रेडी है, हम इसमें मोबाइल लगा सकते हैं अभी, एंड इट इज़ रेडी टू टेक द स्ट्रेस। हम रिकॉर्डिंग करके देखते हैं ज़रा एक, और ये शुरू हुई हमारी रिकॉर्डिंग। अभी अभी इसकी इसकी हाइट हाइट कम कम है है तो तो हम हम हाइट हाइट बढ़ाने बढ़ाने के के लिए लिए कुछ कुछ कर कर सकते सकते हैं। हैं। आई एम हैविंग हैविंग दीज दीज ओल्ड ओल्ड टेप्स टेप्स हियर, हियर, सो सो आई आई विल विल लॉग लॉग ऑफ। ऑफ। और और ये ये हमारी हमारी स्टैंड स्टैंड की की हाइट हाइट बढ़ बढ़ गई। गई। अब अब इसमें इसमें हम हम एक एक और और वेरिएशन वेरिएशन कर कर सकते सकते हैं, हैं, फॉर फॉर एग्जांपल। एग्जांपल। अब जैसे मैंने यहाँ कुछ और पीस बनाए हैं, अब ये देखते हैं यहाँ पे, अगर आप नोटिस करें तो एक तरफ स्ट्रेट कट है, एक तरफ टिल्ट है, तो इट्स अ वेरिएशन दैट आई हैव डन।
ये स्ट्रेट है और ये दूसरी तरफ टिल्ट है। अब व्हाट हैपेंस इज, हमने जब ये स्टैंड पे लगाया तो वी हैव द फ्रीडम टू टिल्ट इट। अब मैंने नीचे कुछ रखा नहीं है और ये टिल्ट अपने आप हो गया है। यही चीज़ मैं सीधी भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, पर इसमें होता ऐसे है कि ये जो ग्रिप है वो ग्रिप थोड़ी सी लूज़ पड़ जाती है। तो इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग जस्ट वन पीस मेक टू पीसेस, एक विद अ स्लैंटिंग कट एंड एक विद अ स्ट्रेट कट। अब इसी चीज़ को अगर हम उल्टा करें और फिर अटकाएं तो वी कैन लुक डाउन। तो यहाँ मेरे पास अभी तीन पीसेस हैं। सबसे पहले ये स्ट्रेट कट वाला, जिसमें हम जब मोबाइल लगाते हैं तो मोबाइल सीधा बैठता है, सीधा रहता है, ये देखिए स्ट्रेट। अब इसे चालू करके देखते हैं, ये कैमरा शुरू किया, वल्ला। अब दूसरा वेरिएशन देखते हैं। यहाँ पे मैंने स्लांट जो मैंने कहा था वो स्लांट कट है, ये मोबाइल टेढ़ा ही बैठेगा, इस तरह से ये टेढ़ा ही बैठेगा। ये गया नीचे देख रहा है, अब कप को घुमाया, अब ये कैमरा ऊपर देखेगा, ये दूसरा वेरिएशन है। सो आइडल हाइट जो है वो ये हाइट है, क्योंकि ये कम वॉबल करता है, बड़ा वाला कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा वॉबल करता है, छोटा वाला कंपेरेटिवली कम वॉबल करेगा। हमने जो दूसरा ऑप्शन दिया था वन साइड स्ट्रेट वन साइड टिल्ट वाला, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, पर वो और डिफ़िकल्ट होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अब इसी चीज़ को मैं एक और वेरिएशन में भी दिखाना चाहता हूँ। अभी ये ग्लास यूज़ किया है, आई एम गोइंग टू यूज़ कार्डबोर्ड और अ थिक पेपर, लेट्स से 250 GSM के पेपर में अगर हम इसको निकालते हैं या कार्डबोर्ड में निकालते हैं तो कैसे निकाला जा सकता है, वो उल्टा और भी आसान होगा। पर अगर आप डिफ़िकल्ट मानो तो और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो लुक आउट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन कीप फिल्मिंग।